नमस्कार, स्वागत है आपका बीमा दी कुकिंग में। आज के इस वीडियो में हम मिलकर बनाएंगे मटन कोरमा, और वो भी पुरानी दिल्ली स्टाइल और हांडी में, खड़े मसालों के साथ। हांडी में तो मटन कोरमा का टेस्ट ही अलग है, क्योंकि ये धीरे धीरे पकता है। धीरे पकने से खड़े मसाले, काली मिर्च, इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, सबका फ्लेवर इस मटन में आ जाता है, और बेहद स्वादिष्ट और सॉफ्ट होने के साथ साथ शाही मटन कोरमा चलो मिलकर बनाते हैं। शुरू करते हैं हम मटन कोरमा बनाना। उसके लिए हमने 1 किलो मटन लिया है, जिसमें चाँप और गोल मिर्च लिया है। आप अपने पसंद के जो पीसेस आपको पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं मटन कोरमा में। सबसे पहले हम अपने मटन को, जो 1 किलो मटन है, इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए हमको चाहिए 3 से 4 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच नमक, 10 से 15 काली साबुत मिर्च, 4 से 6 हरी इलायची, और हमने लिया है 4 से 6 लौंग। इसको अच्छे से मिक्स करके हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से इस सारे मटन में अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। मटन के अंदर तक सॉल्ट एंड लहसुन अदरक का फ्लेवर आ जाएगा। तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी करते हैं। 4 हरी मिर्च, जीरा, काजू कतरी, कुटी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, कस्तूरी मेथी, दही, दालचीनी, काली मोटी इलायची, काली मिर्च, जायफल, जावित्री, हरी इलायची, जीरा पाउडर, तेज पत्ता, लहसुन अदरक की पेस्ट, देसी घी, ये हमको चाहिए, और साथ में 4 मोटे प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया। सबसे पहले हमने दही को तैयार करेंगे, जिसमें हम मटन में डालेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली हमने 1 कटोरी दही में, जीरा पाउडर डाला हमने, हल्दी ली 1 छोटी चम्मच, और हमने 2 चम्मच के करीब ले लिया धनिया पाउडर। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। डायरेक्ट हम मसाले देसी घी में नहीं डालेंगे जब हम मटन पकाएंगे, क्योंकि थोड़े जल जाते हैं। इसमें इस तरह यूज़ करेंगे मटन कोरमा में। और हमने जो काजू थे उसको 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था। उसके बाद हम इसको थोड़ा पानी डाल के और 2 हरी मिर्च डाल के इसको हम पीस के तैयार करके रख लेंगे। काजू और हरी मिर्च की पेस्ट, ये बढ़िया हमारी हरी मिर्च और काजू की पेस्ट तैयार हो गई है। इसको कटोरी में डाल के हम रख लेंगे। डालने में हमको सुविधा हो जाएगी जब हम मटन कोरमा पकाएंगे। सबसे पहले हमने हांडी को गर्म करा, उसमें हमने डाला देसी घी। देसी घी अच्छे से पिघल जाएगा, तो हमने डाले हैं सारे खड़े मसाले। जब खड़े मसाले पॉप होने लगे, तिड़कने लगे, तब हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट जो हमने रखी थी, वो डालेंगे 2 चम्मच लहसुन। 2 से 3 चम्मच भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 2 चम्मच ही डालेंगे। अगर अच्छा फ्लेवर चाहिए तो ज़्यादा कर देना लहसुन अदरक की पेस्ट। जब लहसुन अदरक की पेस्ट बढ़िया लाल हो जाए, पक जाए, तो हम सारा जो मैरिनेटेड मटन है, जो हमने आधा घंटा खड़े मसाले के साथ लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ फ्रिज में रखा था, वो डाल देंगे। ये डालने के बाद हम बिना पानी के कम से कम 15 मिनट तक इसको भूनेंगे। और हमने साथ में डाल दिए कस्तूरी मेथी, डाल दिए तकरीबन 2 चम्मच, और कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच, 1 चम्मच कुटी मिर्च। आप चिंता नहीं करो, तीखा नहीं बनेगा, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च से अच्छा कलर आता है, तीखापन नहीं आता है। तो अब हम इसको ढक देंगे। अब हम अपनी दूसरी तैयारी करते हैं। जो हमने प्याज काटा है बारीक बारीक, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिखेर लेंगे, अलग अलग हो जाए। कुकिंग ऑयल हमारा बढ़िया गर्म हो जाए तो हम हाई फ्लेम पर प्याज को फ्राई करेंगे। पर ये ध्यान रखेंगे प्याज एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो कुकिंग ऑयल थोड़ा ऊपर को उछल कर आ जाता है। तो उसके बाद हम मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। बीच में इसको
प्याज को अलट पलट करते रहेंगे, जैसे ही गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो तो निकाल देना, क्योंकि डार्क ब्राउन कर लेंगे अंदर कुकिंग ऑयल के अंदर तो जल जाएगा निकालते निकालते। और ये टिश्यू पेपर पर हम निकाल लेंगे अपना ये जो हमने प्याज फ्राई करा है, और ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। ऐसे नहीं पीसेगा, एक दो स्पून हम पानी भी डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया हमारा पीस के तैयार कर लिया हमने, और हमने तकरीबन 15 मिनट के बाद ढक्कन रखने के बाद 15 मिनट हमने रखा है मटन को। और उसके बाद हमने सारा जो दही डाल दिया जिसमें हमने सूखे मसाले डाल के रखे थे। अब 5 से 7 मिनट हम लगातार कड़छी चलाएंगे, क्यों नहीं तो दही फट जाएगा। जब दही में बॉयल आना शुरू हो जाए तब हम अपना हाथ रोक सकते हैं, उसके बाद हमने इसको ढक देना है। थोड़ा दही पक जाएगा तो बढ़िया ऊपर ऐसे ऐसे घी आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा दही पक गया है। इसके बाद हम अपने काजू और हरी मिर्च की पेस्ट और ये कोकोनट पाउडर भी डालेंगे 3 चम्मच, और हमने जितना प्याज 4 प्याज फ्राई करा था वो सारा प्याज जो पीसा था वो डाल देंगे। अब हम तकरीबन हमारा 60% जो है मटन पक गया है, बस 30-40% हमने 20 मिनट और लगेंगे। टोटल कुकिंग का टाइम में ये जो मटन कोरमा 40 मिनट लगेंगे। इस स्टेज में हम आके नमक डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे। सब कुछ डालने के बाद ये हमने 20 मिनट बाद ढक्कन हटाया। बढ़िया हमारा मटन कोरमा जो है बनकर तैयार है, बेहद बढ़िया खुशबू आ रही है। ये हमने केवड़ा डाल दिया 2 चम्मच, सूखा धनिया और अदरक लंबा कटा हुआ हमने डाल दिया है, जिंजर जूलियन, और साथ में हम डाल देंगे जो हमने जायफल रखा था सुपारी के जैसा, उसको भी बीच में कस लेंगे तो बढ़िया फ्लेवर आएगा, और जावित्री को भी हाथ से क्रश करके डाल देंगे। ये बढ़िया हमारा मटन कोरमा जो है बहुत ही डिलीशियस दिखने के साथ साथ ये बहुत अच्छी इसकी महक भी आ रही है, और इसको हम जो भी सर्विंग बॉल है उसमें डाल देंगे, और बढ़िया गला ही है हमारा मटन कोरमा। इसको अभी हम प्लेट में डाल के चेक कर लेंगे कि हम स्पून से इसको कट करके देखेंगे कितना बढ़िया। देखो हमारा ये मटन कोरमा जो है पक गया है, दिखने में डिलीशियस है और साथ में बहुत अच्छा फ्लेवर भी दिख रहा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसको हम थोड़ा सा प्लेट में डाल के थोड़ा चेक करेंगे हमारा जो मटन कोरमा है अच्छे से गला है कि नहीं गला। वैसे हमने बीच बीच में जब हिलाया था तो कड़छी से काट के देखा था। ये देखो बढ़िया हमारा एकदम पनीर के माफिक कट रहा है, ये सुपर डिलीशियस और बहुत अच्छी खुशबू के साथ हमारा मटन कोरमा बनकर तैयार है। ये बढ़िया मटन कोरमा बेहद स्वादिष्ट दिखने वाला और साथ में खाने में भी बेहद स्वादिष्ट है, जिसमें हमने काजू की पेस्ट और सारे खड़े मसाले इस्तेमाल करे हैं, और ये धीरे धीरे पका है तकरीबन हमारा 40 से 45 मिनट। भैया शाही कोरमा मटन कोरमा खाना है तो थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, अगर आपको बढ़िया मसालों का फ्लेवर चाहिए और बिल्कुल एथनिक पतीले वाला। अगर आपके पास हांडी नहीं है तो आप पतीला भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा उस पतीले का जो बेस है थोड़ा मोटा होना चाहिए ताकि जब हम पकाएंगे नीचे से थोड़ा जले नहीं, मसाले चिपके नहीं। बेहद स्वादिष्ट दिखने के साथ साथ खाने में भी लाजीज स्वाद के साथ मटन कोरमा बनकर तैयार है। आप भी इसी रेसिपी से बनाना और बताना आपका मटन कोरमा कैसा बना कमेंट बॉक्स पर लिख के। मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना, आप सब्सक्राइब नहीं करते अगर नहीं करा तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।